हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, अगर आप एमपी बोर्ड क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यहाँ पर गाइस एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है जो कि कक्षा 10वीं और 12वीं से संबंधित है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस 12वीं की परीक्षा और आगे किसके की 10वीं रिजल्ट तिमाही छिमाही परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर बनेगा। यहाँ पर आज का लेटेस्ट न्यूज़ है गाइस, प्रदेश के 20 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य आधार में, स्कूल शिक्षा विभाग जल्दी इस बारे में फैसला लेने वाला है। सीबीएसई के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का मन तो बना लिया है, लेकिन यहाँ पर गाइस जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के लिए अभी कोई फॉर्मेट तैयार नहीं हो, यहाँ पर फॉर्मेट बाकी है। तो यहाँ पर गाइस सीबीएसई छात्रों का जो रिज़ल्ट मासिक टेस्ट के आधार पर बनाया जा रहा है, वहीं पर एमपी बोर्ड में तिमाही और छिमाही परीक्षाओं के आधार पर रिज़ल्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है। छात्रों के पिछले 2 सालों के परीक्षा परिणामों को भी मूल्यांकन में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में विभाग ने प्रायोगिक परीक्षाएं भी स्थगित कर दी है। सरकार मानती है कि प्रदेश में जो कोरोना गाइस इसका जो संक्रमण है लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर गाइस हम जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 10वीं के रिजल्ट के फॉर्मेट पर विचार कर रहे हैं, 2-3 विकल्प है, जो बेहतर होगा उस पर काम किया जाएगा। 12वीं की परीक्षाओं के बारे में भी जल्द फैसला लिया जाएगा। देख सकते हैं इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा मंत्री। यहाँ पर है गाइस संक्रमण के हालात ऐसे नहीं है कि 12वीं की परीक्षाएँ ली जाएँ, ऐसे में छात्रों को अभी इंतज़ार करना होगा। यदि कोरोना की स्थिति में बहुत सुधार नहीं आया तो परीक्षाएं और आगे बढ़ाई जा सकती है। अभी सरकार ने जून के लिए स्थगित कर दी है, जून तक के लिए इस एग्जाम से स्थगित कर दी है। तो गाइस यहाँ पर जो आज का लेटेस्ट न्यूज़ था इसे हमने आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर गाइस कोई और अपडेट्स आती है तो यहाँ पर हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते गाइस अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।